हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल हर हर महादेव कृपा से अच्छे सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैडम स्टूडेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंस। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहिए हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस का मतलब है। हार्ड वर्क मतलब कठिन मेहनत, डिलीजेंस मतलब जब कोई आदमी कठिन मेहनत, हार्ड वर्क, डिलीजेंस करता है तो वो अपनी सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि लंबी मीलों दूरी का सफर एक ही कदम से स्टार्ट होता है। पहले एक कदम बढ़ाइए तो सही, पहले एक रुपये से बिजनेस चले, फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। लंबी मील दूरी का सफर एक ही कदम। अब इसका इकोनॉमिक स्पेड क्या है? अब हार्ड वर्क डिलीजेंस का इकोनॉमिक स्पेड क्या है? जितने हार्ड वर्क डिलीजेंस होंगे, जितने हार्ड वर्क डिलीजेंस आदमी करेगा, वो उससे संबंधित फिजिकल पर्सन, मेंटल और पर्सन, फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलप होगा। अब जब मेंटल और फिजिकल पर्सनैलिटी जितना डेवलप होगा, मार्केट में उतने ही काम वो अच्छे से करेगा, और जब मार्केट में काम उतने ही अच्छे से करेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो मार्केट में इनकम भी जनरेट होगा, और जब मार्केट में इनकम जनरेट होगा तो मार्केट में कंजप्शन और एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ओके माइस, तो हम कह सकते हैं हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस का इकोनॉमिक्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। ओके माइस, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्या, मैं उसका जवाब दूँ। और अगर नहीं तभी मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दीन दुनिया चौगनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपका तो एक रुपये। अब इसका इकोनॉमिक स्पेड क्या है? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ओके मैच, तो हम कह सकते हैं डिलीजेंस और हार्डवर्क का इकोनॉमिक स्पेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। ओके मैच, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक हार्ड वर्क। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तभी शायद मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दीन दुनी राज, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे अकाउंट पे जरूर बढ़। और मेरा मनोरथ आपके लिए, आपसे में सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो ला, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डस नेवर गेट। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से, मेरा फिक्स टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एडवांस के हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी सावन की सोमा टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ, आपको आपके पूरे परिवार को सावन की सोमा हार्दिक शुभकामना। विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी सावन सोमा टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।